नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे नमामि गंगे से कितनी हुई निर्मल गंगा। गंगा कोई मामूली नदी नहीं है, गंगा को पवित्र नदी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भागीरथी इनको पृथ्वी पर जमीन पर उतार करके लेके आए, शंकर जी की जटाओं में उलझी हुई थी वहाँ से निकाल के पृथ्वी तक लेकर के आए। और दूसरी बात करिए, सभ्यता से जुड़ी हुई है और लोगों से जुड़ी हुई है। 45 करोड़ लोग उनका जीवन यापन करती हैं, 45 करोड़ लोग इनके किनारे बसे हुए हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वही गंगा पूरी तरीके से मैली हो चुकी थी और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी थी। यही कारण है कि सबसे पहले 14 जून 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया और गंगा एक्शन प्लान के नाम से इसकी सफाई करने की शुरुआत की। हजारों करोड़ रुपए इसमें डूब गए, पानी में डूब गए, लेकिन गंगा मैली की मैली रह गई। राजनीतिक पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो काफ़ी लाभ उनको मिला इस योजना से, राजनीतिक लाभ उनको मिला, लेकिन गंगा मैली की मैली रही। उसके बाद बारी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2014 में उन्होंने भी नमामि गंगे के नाम से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और ये कहा गया कि अब गंगा मैली नहीं रहेंगी। अब 2014 से लेकर के 2019 तक करोड़ों लीटर पानी इस गंगा में बह चुका है और अब करीब 5.25 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कानपुर में आए, गंगा एक्शन प्लान को, जो नमामि गंगे का प्लान है, उसको देखने के लिए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अगर खुद इनिशिएटिव लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें तब्दीली जरूर आती है, वो योजना परिवहन जरूर चलती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में 2014 से लेकर के 2019 तक इसमें कोई तब्दीली आई है, क्या गंगा निर्मल हो गई है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बात एनजीटी की करें तो एनजीटी ने इसमें तमाम सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इस गंगा अभी भी मैली की मैली है, इसमें उतनी सफाई नहीं हो पाई है जितनी की होनी चाहिए। गोमुख की बात करें, उत्तराखंड जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ जो नाले हैं ज़्यादातर नाले अभी गंगा माँ को, मैली का आँचल को मैली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तमाम नाले गंगा माँ के आँचल को मैला करने में कार्यरत है। इसके अलावा जहाँ भी जाए, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो नालों को जो टैप करने की बात की गई थी या घाट बनाने की बात की गई थी, उसमें अभी उतने काम नहीं हो पाए हैं जितना होना चाहिए। और इस बीच करीब 4.25 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, यानी कि गंगा में अब तक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा अभी भी मैली की मैली है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि 2014 से लेकर के अब तक 2019 तक जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है उसमें कितना, उसकी वजह से गंगा में कितनी बरकत हुई है, कितनी सफाई हुई है और गंगा अब कितनी साफ और निर्मल है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और रिपोर्ट के बाद हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े होंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो
लागत से कुल 230 प्रोजेक्ट को स्वीकृत की जा चुकी है। गंगा कितनी साफ हुई इसके लिए पीएम मोदी फिर आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी में नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में नमामि गंगे परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद पीएम ने गंगा पर इस योजना का प्रभाव देखने के लिए नौकायन किया। पीएम मोदी ने अटल घाट पहुंचकर स्टीमर के जरिए गंगा की सफाई का निरीक्षण किया। गंगा काउंसिल की बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नौका विहार के जरिए कानपुर के सीसामऊ नाले का सच भी देखा। बीते साल गंगा की सफाई को लेकर एक आरटीआई अर्जी दायर की गई। इस आरटीआई का सरकार की ओर से जो जवाब मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। सरकार ने तब कहा कि उसे पता ही नहीं कि गंगा अब तक कितनी साफ हुई है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है जिससे यह गंगा की सफाई का पता चल सके। 2071 किलोमीटर भूभाग में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी का कानपुर में पड़ने वाला हिस्सा सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है। कानपुर में होने वाली इस बैठक से सरकार संदेश देना चाहती है कि वह नमामि गंगे परियोजना के प्रति काफी गंभीर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर है, इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो स्वयं उस जगह पर पहुंचे जहां पर गंगा सबसे ज्यादा मैली है। इसलिए लगता है कि इस बार जरूर गंगा साफ होकर के रहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं बड़े फैसले लेने के लिए और उसको पूरा करने के लिए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, धारा 370 हटाने को लेकर के हो, या कैब के मामले को लेकर के हो। जितने भी बड़े फैसले लिए गए हैं अब तक 6 महीने में, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, उनको पूरा किया गया है। ऐसे में ये उम्मीद तो जरूर जगती है कि शायद इस बार गंगा माँ का आंचल जरूर साफ हो जाएगा, अब गंगा माँ मैली नहीं रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। दावा यह किया गया था जब 14 जून 2014 को ये बात कही गई थी, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था नमामि गंगे का, तभी कहा गया था कि 2018 तक 80% गंगा साफ हो जाएंगी, लेकिन वो अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। अब ये कहा जा रहा है कि 2020 तक ये गंगा माँ पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इसके पहले जब राजीव गांधी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था गंगा एक्शन प्लान, उसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन गंगा मैली की मैली रही। ऐसे में कैसे एतबार किया जाए ये देखना बड़ी बात होगी। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ करा देते हैं आपसे। हमारे साथ अजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रस्ता के तेज तर्रार प्रवक्ता है, स्वागत है आपका अजय जी। दिलीप सिन्हा जी है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ेंगे लखनऊ स्टूडियो से, विभूति राय, जो कि इस योजना से परियोजना से जुड़े रहे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो भी अब से कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। और 3 खास मेहमान हमारे साथ में कानपुर स्टूडियो से भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 राघवेंद्र आज भारतीय जनता कानपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता है, स्वागत है आपका राघवेंद्र जी। दूसरे राघवेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रदेश संयोजक हैं गंगा विचार मंच के, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान जुड़ेंगी कानपुर से, और वो हैं मौली सेठ जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, दावा यह किया गया था 2019 तक 80% गंगा साफ हो जाएंगी, इस बार गंगा माँ का आंचल मैला नहीं रहेगा, क्या ये वादा पूरा हो पाया है? एक 2 राघवेंद्र सिंह हैं। प्रदीप जी, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जब राघवेंद्र कहूंगा तो राघवेंद्र जी का मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी के, और राघवेंद्र सिंह कहूंगा इसका मतलब होगा कि जो प्रदेश संयोजक हैं गंगा विचार के। मैं भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा जी। राघवेंद्र जी, जो वादा किया गया था क्या वो पूरा हो गया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में 2014 में हमारी सरकार बनी थी तो घोषणा पत्र में सबसे पहले ही हमने दिया था कि जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो गंगा जो है गौमुख से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक पूरी अविरल और निर्मल बनेगी।
तो उस दिशा में बेहतर काम हुआ है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो सफाई का काम है लगभग 70% पूरा हो चुका है। हमारा लक्ष्य है 2021 तक गौमुख से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक कहीं से भी जल लिया जाए, उसका आचमन किया जाए, ये हमारी योजना में है। और ये निश्चित रूप से 2021 तक हम इसमें कामयाब होंगे और 70% काम हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें जो सीसामऊ नाला जो है, जो कानपुर का नहीं एशिया का सबसे बड़ा गंदा नाला था, जिसे टैप कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री जी ने उसकी समीक्षा भी की है। और निश्चित रूप से मानिए 2021 से पहले पहले 2020 लास्ट तक पूरी गंगा और निर्मल हो जाएगी। 2021 के पहले हफ्ते में आप उसको आचमन भी कर सकते हैं उसके जल का। चलिए ठीक है, आचमन करेंगे हम जरूर, कानपुर आएंगे, आचमन करेंगे, आपके साथ ही चलेंगे आचमन करने के लिए। हम दूसरे राघवेंद्र सिंह टू के पास जाएंगे। राघवेंद्र सिंह टू, क्या आपको, आप जो राघवेंद्र सिंह वन कह रहे हैं उस पर आपको एतबार है? नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि गंगा की जो सफाई हो रही है और गंगा को लेकर के जो काम चल रहा है, आज प्रधानमंत्री जी कानपुर में आकर के, कानपुर ही नहीं पूरे देश की जनता को ये बता दिया कि जो कानपुर के बारे में चर्चा होती है कि कानपुर सबसे अधिक गंगा गंदी है, कानपुर में आज प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ को दिखाया है कि कानपुर में अगर गंगा गंदी है तो फिर भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं, गंगा की सफाई के लिए हम खड़े हैं। और जो सीसामऊ नाले के लिए अभी राघवेंद्र जी ने जो चर्चा किया, वो सीसामऊ नाला आज एक सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है कि आज जो है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पर सेल्फी ले चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी वहाँ गए भी, सीसामऊ नाला एशिया का सबसे बड़ा नाला था, उसको बंद कर दिया है बिल्कुल, और वो सभी लोगों ने देखा है, पूरी मीडिया ने देखा है कि वो नाला बिल्कुल बंद हो चुका है। और ये पूरे देश में, कानपुर ही नहीं मैं तो कहूँगा पूरे देश में, जिस तरह से भारत सरकार ने काम किया है, 70 वर्षों के जो काल में गंगा के ऊपर काम होना चाहिए था, जो विचार होना चाहिए था, हम लोग तो एक एक चीज़ देखे हैं कि उत्तराखंड से लेकर के बंगाल तक कि जब काम होते थे गंगा को लेकर के, जब बैठकें होती थी कि कहां पर कैसे घाट बनेगा, कैसे काम होगा, आज कानपुर में आप अटल घाट देख लीजिए जाकर के, उदाहरण है इसका। राघवेंद्र टू जी, ठीक है राघवेंद्र टू जी, हम आपके पास दोबारा से आएंगे, जरूर आएंगे। हमारे साथ में खास मेहमान लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं, और इस बीच हम आपको एक और अच्छी बात बता दें, हमारे जो तीसरे खास मेहमान हैं लखनऊ से, प्रोफेसर विभूति राय जी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे सबसे पहले हम दिलीप सिन्हा जी के पास में जाएंगे। दिलीप सिन्हा जी, दोनों राघवेंद्र जी दावा कर रहे हैं, राघवेंद्र वन राघवेंद्र टू, कि गंगा 80% साफ हो गई है और 2020 तक 100% निर्मल और सबल हो जाएगी। देखिए, हर आदमी चाहता है कि गंगा साफ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं होती है कि वो गंगा साफ करे। सभी इसका सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य हो, उमा भारती से लेकर मोदी जी, सबकी इच्छा शक्ति है कि गंगा साफ हो, लेकिन गंगा बिल्कुल साफ नहीं हो रही है और वो अपने स्तर से धीरे धीरे ही इस पर काम हो रहा है। सिर्फ राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने के लिए इस मुद्दे को समय समय पर उठाते रहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करते रहते हैं। ठीक है, खाली वोट बैंक की राजनीति हो रही, गंगा की सफाई नहीं हो रही। अजय त्रिपाठी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आप एक सीनियर पत्रकार हैं और गंगा को भी जानते हैं और गाय को भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी जानते हैं। जब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्य मुद्दे बनाए देश के लिए और प्रदेश के लिए, डिजिटल इंडिया, गंगा की सफाई, गाय, उसमें से एक प्रमुख मुद्दे थे। जब मोदी जी बनारस चुनाव लड़ने गए थे, तब भी उन्होंने गंगा का ही जिक्र किया था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और बड़े बड़े दावे किए गए थे। अभी राघवेंद्र वन को भी सुना हूँ, राघवेंद्र टू को भी सुना हूँ। 5 साल की एक इनिंग भारतीय जनता पार्टी पूरी पूरी खेल चुकी है। दूसरे इनिंग में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करके कुछ महीने या साल लगभग उसमें भी बीतने को है। हम पूरे दावे के साथ कहना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी जगह है जो उत्तराखंड से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक की बात की जाती है, जहां पर गंगा सफाई अभियान का कार्य शुरू हुआ, देश की मीडिया ने देखा हो, देश की जनता ने देखा हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देखा हो या विपक्ष के नेताओं ने देखा हो, काम होते हुए की मैं बात कर रहा हूं, होना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरबों रुपया केंद्र सरकार का नमामि गंगा के नाम पर पास किया गया, बजट में प्रावधान किया गया, प्रदेशों को दिए गए,
वो जनता के टैक्स के द्वारा दिया गया पैसा है, जो सर्विस में लोग हैं वो इनकम टैक्स के माध्यम से देते हैं, जो बिजनेस में लोग हैं वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स के माध्यम से देते हैं, वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, डेवलपमेंट के लिए सरकारों के पास जमा होता है और डेवलपमेंट के काम आता है। लेकिन करोड़ों अरबों अरब रुपया नमामि गंगा के नाम पर भारत सरकार ने पास किया, लेकिन कानपुर छोड़ दीजिए, बनारस में गंगा साफ नहीं हो पाई, जहां से प्रधानमंत्री जी दूसरी बार सांसद है। अगर ठीक से एक सेकंड लेंगे आपको, ठीक से अजय जी, अरे अजय जी कुछ तो शर्म करिए, 70% काम पूरा हो चुका है श्रीमान जी, आपके प्रदेश में आपकी सरकार रह चुकी है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, करने की जरूरत है, अरे कुछ तो शर्म करिए, 70% काम खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से पहले अन्य सरकारों ने इस दिशा में पैसा जरूर अलॉट किए, घपले घोटाले करने के लिए अलॉट किए श्रीमान जी, श्रीमान जी इससे पहले केंद्र की सरकारों ने पैसे अलॉट करते रहे हैं, लेकिन सब घपले करते रहे हैं। हमारी सरकार जैसे 2014 में अपने घोषणा पत्र में उस पर काम किया और आगे बढ़ के काम किया, आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ 70% काम गंगा का पूरा हो चुका है, आगे आने वाले एक वर्ष में गंगा का जल पीने लायक हो जाएगा। आज आप काम की भगंगा देख लीजिए, काम किया, लेकिन उसके सफाई के नाम पर आपने अपने जेब को भरने का काम किया, अपने नेताओं के जेब को भरने का काम किया, अपने अधिकारियों के जेब को भरने का काम किया, ठेकेदारों के जेब को भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार काम के लिए जानी जाती है, घपले घोटाले की सरकार आपकी और बहन जी की सरकार मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि सरकार में कांग्रेस ने पैसा अलॉट किया और उसके बंदर वाट किया, पूरा देश और प्रदेश जानता है कांग्रेस पैसा अलॉट कर दिया है घपले घोटाले करने के लिए, चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, उसके जनता का है भाई के पैसे को जनता है, पता है किस तरीके से आपके नेता 5000 का होटल बनवा रहे, मुझसे जवान जो खुलवाइए, जनता का पैसा है, मैं जानता हूँ किस तरीके से आप राजनीतिक मंच नहीं पूरे तरीके से राजनीतिक में गुमराह कर रहे हैं, एक तो राजनीतिक गंगा के नाम पर आप लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम करते हो। अजय त्रिपाठी जी आपके पास दोबारा चाहेंगे, आपको रुकना पड़ेगा। राघवेंद्र सिंह जी रुकिए, आपके पास भी दोबारा से आएंगे। हमारे साथ में विभूति राज जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। विभूति राज जी, आपकी नजर में 1986 से ये योजना शुरू हुई थी, राजीव गांधी ने ये शुरू की थी, आज 2019 से कितनी साफ हुई गंगा? देखिए, गंगा का जहां तक प्रश्न है, ये एक बहुत वृहद सिस्टम है जी, प्राकृतिक रूप से, और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें आम लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसे गंदा करने में, गंदा तो हम जनता करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार इसको साफ कराए, है कहीं ना कहीं हमको जनता से भी पूछना चाहिए और उनको भी हमको ये बात सांकेतिक रूप से जैसे उचित समझे कि भाई जी, हम आम जनता से पूछेंगे, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार जब योजना बनाती है वो उस योजना पर भी तो हम चर्चा करेंगे ना, वो योजना कितनी सफल रही? योजना ही गलत बनी अभी तक जो जितना मैं जानता हूँ वैज्ञानिक रूप से, सारे बड़े शहरों का पूर्व से जो उनका मैला है नालों के माध्यम से वो बड़ी नदियों में ही गिरता आया है, यदि हमको नदियों को साफ रखना है तो पहले उन नालों को शुरुआत में ही एसटीपी के माध्यम से या उनको अलग डाइवर्ट करके उसको हमको रोकना चाहिए था, इस बारे में ना तो इंजीनियर्स ने और ना तो सरकार ने सोचा। अब मान ली लखनऊ जैसा शहर है, गोमती नदी यहां से बहती है और इसमें 35 लाख जनता रोज इसमें अपना मैला बहा रही है, तो ये जाएगा कहां? जब तक इसको हम साफ करके कहीं अन्यत्र इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, ये उन 34 नालों के माध्यम से गोमती में जाता है, उसी तरह से सैकड़ों शहर गंगा के किनारे बसे हुए, उनका सीवेज कहां फेंका जा रहा है? उनका सीवेज गंगा ही में फेंका जा रहा है। 4-6 आप नाले रोक लें, जैसे आज कानपुर में हुआ, देखिए ये व्यवस्था शुरुआत अच्छी है, लेकिन
कहीं ना कहीं इसको कई बहुत बड़े रूप में इंजीनियरिंग एक मार्वल के रूप में हमको करना पड़ेगा, उसमें इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में हमें करना पड़ेगा। हम राघवेंद्र वन के पास जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र जी, आपने कहा कि गंगा करीब करीब साफ हो चुकी है और 2020 तक यहाँ पर आचमन करने लायक जल हो जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन हमारे जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इतने इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मानिएगा, 70% जो है नाले, जो सबसे बड़ी समस्या जो है गंगा में जो प्रदूषण की है नाले है, ये आप भी जानते हैं प्रदीप जी, हम भी जानते हैं और जो योजना बनी है वो सब लोग जानते हैं। इसमें से नाले लगभग जितने हैं लगभग सब टैप कर दिए गए हैं। हमारी सरकार 2014 से लेकर के अभी तक निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। नाले टैप करने का मतलब ये खाली टैप करना नहीं है, उसको किस तरीके से पानी उसका ट्रीटमेंट प्लांट में गया उसको, जी निश्चित रूप से ये मानिए हमारे जो है योजना 2020 समाप्त हो जाएगी। राघवेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, ये राघवेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, ये 1986 में एक योजना आई थी, सबसे पहले राजीव गांधी लाए थे, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन माफ करिएगा गंगा तब भी साफ नहीं हुई थी, गंगा तब भी मैली ही थी और गंगा आज भी मैली है। नहीं नहीं, देखिए अंतर है, अब राजीव गांधी जी ने क्या किया उस पैसे का वो मैं बता चुका हूँ। कांग्रेस की सरकार इससे पहले घपले घोटाले के नाम पर पैसा अलॉट करती रही है और घपला करती रही है। कांग्रेस ने जो पैसा अलॉट किया और अभी तक उसका कोई धरातल पे काम दिखाई नहीं पड़ा, जो 96 में जो पैसा अलॉट हुआ था 1% काम नहीं हुआ, सफाई जो हुई थी थोड़ा बहुत जो ऊपरी काम हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है कंक्रीट वर्क कर रही है। जवाब लेते जाइए, सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है कि जहां से गंगा निकलती है गोमुख से, यानी कि उत्तराखंड में तमाम नालों को अभी टैप नहीं किया गया है, हम बात करें प्रयाग की जो सबसे निर्मल जहां पर गंगा होने का दावा किया जा रहा है, 165 नाले अभी तक टैप नहीं किए गए। बात करें काशी की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार सांसद चुने गए, 33 नाले अभी तक टैप नहीं किए गए। बात करें आपके शहर कानपुर की, नहीं सही है आप प्रदीप जी, टैप नहीं किए गए। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो व्यक्ति काम करता है उसमें टैप किया गया है। एक थोड़ा सा सुन लीजिए, शीशामऊ नाला टैप किया गया है, लेकिन जो दीवार बनाई गई है वो बार बार रिसती है और रिस जी। देखिए प्रदीप जी बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी हमारी है, जो काम करता है उससे ये कहा जा सकता है आपने ये काम नहीं किया, जो काम किया मेरी जिम्मेदारी है, ये जो काम किया वो दिखाई पड़ रहा है समाज को, जो नहीं कर लिया है हमने, जैसे हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे उन्होंने बयान दिया हुआ है 56% नाले उत्तराखंड के बंद कर दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री ऐसा एक व्यक्ति बयान दे रहा है तो जिम्मेदारी भरा बयान है, तो जो आप कर रहे जो काम नहीं हुआ वो भी आगे आने वाले 1 से लेकर 125 सालों में वो भी समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री गंगा साफ हो गई है, प्रधानमंत्री की बात का इस्तेमाल ना करें क्या, तब भी नहीं हुई थी गंगा साफ। देखिए गंगा जो हमारी सरकार, राजीव गांधी ने कहा था कि गंगा साफ करोगे, वर्तमान में 70% काम बहुत बड़ा काम होता है प्रदीप जी, 70% काम जो है हमारा समाप्त हो चुका है और लगातार हम कंक्रीट वर्क कर रहे हैं इस क्षेत्र में। नाले टैपिंग एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो गंगा सफाई में नाला टैपिंग जो है लगभग 90% गंदगी उसी से आती थी, अगर ये पूरी टैप हो गए तो निश्चित रूप से गंगा अविरल भी होगी, निर्मल भी रहेगी, 2021 के पहले हफ्ते में आप उसका जल आचमन योग्य रहेगा। कोई शक नहीं, अगर नालों को ठीक करें, आप बिल्कुल ठीक करें, अगर गंगा में गिर रहे नालों को टैप कर लिया जाए तो गंगा अविरल और निर्मल हो सकती है, उनका ज्यादातर पार्ट निर्मल हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुकी है, उनका भी तारुफ करा देते हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बहुत राजनीतिक विश्लेषक है मौनी सेठ जी। मौनी सेठ जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा ये चल रही है कि 1986 में गंगा को निर्मल करने की योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू की थी, लेकिन तब से लेकर के आज तक गंगा में हजारों करोड़ पानी में बह गए, लेकिन गंगा आज भी मैली की मैली है। देखिए गंगा की सफाई में कुछ चीजों को बड़ा आधारभूत चीज एक तो मान ली गई है कि आप नाले टैपिंग कर दीजिए तो गंगा साफ हो जाएंगी। पहली तो चीज सबसे अच्छी तरह लोगों को समझनी होगी कि जो नाले आप पॉइंट आउट कर रहे हैं
केवल वही वजह नहीं है गंगा के मैले होने की। गंगा में जिस तरह से श्रद्धा के नाम पे कूड़ा जाता है वो भी गंगा को मैला कर रहा है। जब बरसात होती है, जब पानी उफनता है, तो वो जगह जगह जहां पर जाके घुस जाता है, उस पानी को चैनलाइज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो भी गंगा को मैला कर रहा है। गंगा में अभी भी मृत शरीर प्रवाहित किए जा रहे हैं, वो भी गंगा को मैला कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि आप सिंगल पॉइंट प्रोग्राम बना लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये है कि गंगा की सफाई के नाम पे जो समारोह आयोजित होते हैं गंगा तट पे, वो भी गंगा को मैला कर रहे हैं। तो आप पहले ये तय कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आप प्रोपोगेंडा चाहते हैं? आप कंक्रीट काम करना चाहते हैं? और क्या पेपर पर पूरा चित्र तैयार, खाका तैयार किया गया है कि गंगा को मैला करने वाली कारण क्या है और उन पर वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी, तो केवल हवाई बातों से कुछ नहीं जी, होता। कुछ चीजें तो बहुत, मौली जी कुछ चीजें तो बहुत साफ की गई नमामि गंगे योजना में जी। हम आपको ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चले, कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दी गई नमामि गंगे योजना में। वो ये कि पुराने घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, शमशान घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे कि वहां पर अधजली लाशें, डेड बॉडी को गंगा में ना बहाया जा सके। नए घाट बनाए जाएंगे, शौचालयों का निर्माण होगा, बैठने की जगह बनाई जाएगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ में पानी गांव से नालों का जुड़ाव होगा। ये तमाम चीजें की गई है। हम इस पर बहस को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक पर आएंगे तो जरा राघवेंद्र सिंह टू के पास चलेंगे। वो इस योजना से जुड़े हुए हैं और उनसे तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी कितना साफ हुआ है गंगा का आंचल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपने डॉक्टर या A&M की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन करें। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। Mount Literal C School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure ke saath, Mount Literal C School, Mundao. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai, khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Tum mein bhi main hoon, Shuddh Plus. देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम राघवेंद्र सिंह टू के पास चलेंगे, जो प्रदेश संयोजक है गंगा विचार मंच के, उनके पास चलेंगे। राघवेंद्र टू जी, अभी मौली सेठ जी ने बहुत ही मौलिक सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा में डेड बॉडी लगातार फेंकी जाती रहती है, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक एक समय में 40-40 बॉडी एक ही 1 किलोमीटर के दायरे से निकलती है और जो श्रद्धालु लोग हैं वो पूरा कूड़ा डालते हैं, तमाम चीजें उसमें गिरती रहती है। सिर्फ नालों को टैप करने से काम नहीं चलेगा और नाले भी पूरी तरीके से टैप नहीं हुए अभी तक। देखिए, ऐसा है कि मौली जी ने जो बात कही कि डेड बॉडी को लेकर
डेड बॉडी को लेकर के जब नमामि गंगे की मंत्री जो उमा भारती जब जब थी तो उन्होंने उस समय पर यह विषय उठाया था कि जो डेड बॉडी गंगा में छोड़ी जा रही है या जो डेड बॉडी जलाई जाती है वो गंगा से कितनी दूर होनी चाहिए। उस समय पर देश के तमाम संत महात्मा जो है इस विषय को उठाए थे कि अगर गंगा को हमने भगीरथी जी लाए हैं यहाँ के तारणहरण के लिए और गंगा अगर हमारे पुरखों को नहीं तारेंगी तो फिर हम गंगा को यहाँ पर बचाने का क्या मतलब रह गया। तो डेड बॉडी हाँ जो अधजली लाश हैं डेड बॉडी हैं अगर वो गंगा में डाली जा रही हैं उस पर रोक लगना चाहिए, लेकिन ये सामाजिक जागरूकता से ही होगा, इसको बिना सामाजिक जागरूकता से नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ कि हमारे अजय त्रिपाठी जी ने एक बात उठाया था कि गंगा के ऊपर कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, लेकिन मैं अजय जी आपको एक चीज़ बता दूँ कि शायद आप गंगा को लेकर के आप कितनी बार गंगा के कार्यक्रमों में या गंगा के लिए खुद कार्यक्रम या गंगा की सफाई के लिए क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सफाई करेगी और फिर हम जाएंगे गंगा के लिए? राघवेंद्र सिंह जी 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 सरकार ने जिम्मेदारी ली है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल आप प्रदीप जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं अपनी जानकारी कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। प्रदीप जी मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा का जो जल सुन लीजिए गंगा का जल कहाँ पर उसमें पूरी तरीके से 100% ऑक्सीजन है, कोई एक स्थान बता दीजिए कि जहाँ पर पूरी तरीके से ऑक्सीजन है उसमें। देखिए प्रदीप जी ये अगर बात आप उठा रहे हैं तो हमें लगता है कि ये बात हम लोगों को नहीं, अजय जी एक मिनट सुन लीजिए, ये बात हम लोगों को शर्म करनी चाहिए कि इस 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है नमामि गंगे योजना जो शुरू की है, इस सरकार पे अगर उंगली उठाते हैं कि 100% हम ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ये गलत है, क्योंकि गंगा कोई इस 5 सालों में नहीं आई है, 70 वर्षों की जो सरकार रही है या उससे पहले गंगा में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता दूं आज भी गंगा के अंदर, प्रदीप जी मैं बता दूं आज भी गंगा के अंदर डॉल्फिन मिल रही हैं, आज भी गंगा के आचमन जो है पानी, आप हरिद्वार चले जाइए आज भी आप कानपुर गंगा बैराज पर आपको पानी ऐसा नहीं कि खराब दिखाई दे रहा है। हाँ एक चीज जो कानपुर के लिए मैं विषय कह सकता हूँ कि जो टेनरी के बात है, लेकिन आपको रोकना चाहिए आप राघवेंद्र टू जी, एक और सवाल आप, एक और चीज आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ जी जी, बैक्टीरिया में क्या कोई कमी आई है? देखिए बिल्कुल कमी आई है, आप जो है IIT का रिपोर्ट उठा के पढ़िए, मैं बता दूं कि IIT के रिपोर्ट में ये बिल्कुल दिखाई देगा कि आज से 5 साल पहले गंगा की जो स्थिति थी आज कैसी है। कानपुर के तमाम टेनरी और तमाम छोटे छोटे नाले जो है जो टैप हुए हैं, ऐसे यहीं तक नहीं, ये उत्तराखंड के ऊपर से जब गंगा जी जब गंगोत्री से चल रही है वहां से ये सारी चीजें हुई हैं और इसमें बिल्कुल इसमें कमी आई है। जो एक नीरी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस रिपोर्ट को भी उठा के पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और अभी मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए खाली, अजय जी का जवाब दूंगा, लेकिन अजय जी को मैं एक और जवाब दूं तो पहले कि अजय जी ने जो कहा कि गंगा के ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, अजय जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ, आप नमामि गंगे जो NMCG की वेबसाइट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आप गूगल पे डालिए, उसके मंथली प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी मैं अक्टूबर 2019 का रिपोर्ट इस पे लिखा हूँ कि अभी तक टोटल सीवेज के ऊपर जो नमामि गंगे ने पैसा जो खर्च किया है 5,315 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। थोड़ा सा मौका दें। जी जी बताइए ये राजनीतिक मंच नहीं है, चुनाव प्रचार भी नहीं हो रहा है। नहीं आप, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रचार नहीं हो रहा है, अजय जी मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं राजनीतिक प्रचार करने के लिए अजय जी नहीं आया हूँ, मैं जो है सच बता रहा हूँ आपको। आपको पता नहीं क्यों अपना प्रवक्ता नहीं बना रही है, मुझे अफसोस है इस बात को। नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रवक्ता बनाएगी नहीं बनाएगी उसकी मुझे नहीं है, आप जहाँ के भी प्रवक्ता हैं मैं कहूँगा गंगा के विषय पर जानकारियाँ अपनी पूरी रखिए पहले आप। हमारी शुभकामनाएं हैं अजय जी, आप जो है गंगा को लेकर के आप जाइए उत्तराखंड से गंगा सागर की पहले यात्रा करिए, हमें लगता है कि आपको यात्रा करने की जरूरत है गंगा की। हाँ नहीं बोलिए 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 मैं आप प्रदीप जी अजय जी की जवाब मैं दूंगा, अजय जी का जवाब दूंगा। हाँ हाँ सवाल पूछे भाई मुझे, हाँ बोलिए बोलिए। राजधानी लखनऊ में हम लोग निवास करते हैं, आदरणीय प्रदीप विश्वकर्मा जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं, लखनऊ में गोमती बहती है, बस फिर गंगा पर आऊंगा एक सेकंड के लिए, यहाँ पर पड़ता है कुड़िया घाट जिसके बगल में श्री लालजी टंडन जी का आवास है,
लालजी टंडन जी पार्षद से लेकर के और आज वो किसी देश प्रदेश के राजपाल तक बन गए, लेकिन कुड़िया घाट तब भी गंगा गंदा था और कुड़िया घाट आज भी गंदा है। गंगा पर, गंगा पर बात कर रहे हैं, गंगा पर। एक अजय जी मैं आपका जवाब दे दे रहा हूँ, सुन लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब दीजिए। अरे आपका विषय मैं समझ गया हूँ अजय जी, मैं आपका विषय समझ गया हूँ। आप गोमती पर बात करेंगे, आप यमुना पर बात करेंगे, आप सभी नदियों पर बात करेंगे, लेकिन विषय गंगा के ऊपर है, मैं उसमें बताना चाहता हूँ आपको। गंगा की पूरी सफाई पेपर पर है और कंप्यूटर पर है। राघवेंद्र जी, अगर गंगा सफाई पर काम हुआ होता तो देश के प्रधानमंत्री जी को कानपुर का। अजय जी, आप हमारे साथ जो है गंगा की यात्रा करिए, मैं समय निकालूंगा। अजय जी, प्रदीप जी, मैं एक मिनट। अजय जी सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है कि क्या जब राजीव गांधी ने 1986 में योजना शुरू की थी, 30,000 करोड़ रुपए पानी में बहे थे, क्या नदी साफ हुई थी तब गंगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गंगा के साथ जी आजादी के बाद से लेकर आज तक अन्याय होता रहा जी। पहली बात तो बड़ा धन इस सरकार को। दूसरा, आपको नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार उस जगह पर पहुंचा है जहां पर गंगा सबसे ज्यादा मैली है, कानपुर में? बिल्कुल, आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए भाई। प्रदीप जी, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल भी मेरा है जी। देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आते हैं, गंगा सफाई की बात पूरे प्राथमिकता के साथ करते हैं, 5 साल में आखिर प्रधानमंत्री जी को दौरा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब वो वहां पर आए तो अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? जिनको गंगा सफाई करनी थी, चाहे वो तत्कालीन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रदीप जी, एक मिनट मैं जवाब दे दूं, तब तो माना जाता प्रधानमंत्री का दौरा। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। ऐसा है अजय जी, मेरी बात सुनिए, दिलीप जी, अजय जी मैं बता दूं, आप देखिए क्या है कि जैसा आपने बताया गंगा को लेकर के, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय, राघवेंद्र सिंह टू जी, बाकी लोगों के पास भी जाना है मुझे, बाकी लोग भी है, मैं आपके पास दोबारा चाहेंगे, दिलीप जी के पास चलेंगे। दिलीप जी, क्या लगता है कि कम से कम इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कानपुर आए, पूरी तमाम लोगों को लेकर के वहां पर पहुंचे और एक नई शुरुआत किया, इससे पूरी मशीनरी एक्टिव होगी? हाँ, प्रधानमंत्री का दौरा जो है जी तारीफ के लायक है कि उन्होंने वो कम से कम एफर्ट्स तो कर रहे हैं जी, लेकिन केवल एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होगा। जैसा हमारे दोनों राघवेंद्र जी से ये प्रश्न है, जब सफाई की बात हो रही है तो आप ये जनता पे क्या डाल देते हैं कि जनता तय करेगी? अरे प्रधानमंत्री बनाया है, पूरी सत्ता उनके पास है, पूरी ताकत उनके पास है, तो सफाई तो उनको करनी है, एक्शन तो उनको लेना है। सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, राजनीतिक घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को अगर वो जागरूक नहीं हुई। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये है, उस समय उमा भारती जी ने गंगा भर भर के लोटे में भर भर के सारे सांसदों को दिया था, बहुत पवित्रता दिखाई थी, उसका बहुत गुणगान किया था, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए थी, और यही क्या यही कारण है कि उनको जाना पड़ा था? नहीं, प्रदीप जी, आप ये गलत कह रहे हैं। उनका जो मूल में जो काम है वो उमा जी का ही काम है। जो काम शुरू हुआ था, आप याद करिए 2014 के घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट रूप से कहा था गंगा को साफ करेंगे। इससे पहले किसी राजनीतिक दल, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या किसी प्रदेश का हो, चाहे केंद्रीय हो, किसी केंद्र का कोई घोषणा पत्र हो, किसी ने भी ये साहस नहीं किया था। कांग्रेस ने साहस किया था, पैसा अलाट किया था और वो पूरा पैसा घपले घोटाले की भेंट चढ़ गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रयास ही नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र प्रतिनिधि काम कर रही है। योजना शुरू हुई थी और अडवाणी जी आपके जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने उसकी राजीव गांधी जी की तारीफ की थी। काम जब शुरू हुआ था तो अडवाणी जी ने तारीफ की थी ना भाई, काम तो अच्छा शुरू किया था, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन पूरा पैसा घपले घोटाले की भेंट चढ़ गया था। मुझे याद है 1% भी काम नहीं हुआ था। जैसे इस बार हो रहा है भाई, इस बार तो दिखाई पड़ रहा है श्रीमान जी। ठीक है अजय जी, ठीक है प्रदीप जी, मैं इस मामले में कुछ बोल सकती हूं। मौली जी के पास चलेंगे, ठीक है मौली जी। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ मौली जी, और आपसे सवाल ये है
कि गंगा ने स्वयं मैली होकर के तमाम राजनीतिज्ञों को पवित्र कर दिया, सत्ताएं दिला दी, कई कई बार सत्ता प्राप्त करवा दिया, लेकिन गंगा का आंचल क्या आज भी मैला है? देखिए, गंगा की पहली बात तो मैं कहती हूँ, सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि बात शुरू होने से पहले, आगे की बात सुनने से पहले विवाद शुरू कर दें। लेकिन मैं सबसे पहली बात ये कहना चाह रही हूँ कि बेचारी गंगा, कहीं से कोई उसका राजनैतिक वो स्वरूप नहीं है, कोई राजनैतिक वजह नहीं है उसके होने की, लेकिन वो राजनीतिज्ञों की मोहताज बैठी है कि आओ मुझे साफ करो। जिस गंगा ने कितने पापियों को तार दिया, आज वो बैठी है कि आके मुझे तारो। लेकिन सवाल इस बात का है ही नहीं, अभी बात होने लगी कि भाई गंगा की ही बात करें। मैं कानपुर की निवासी हूं और इत्तफाक से जन्म से गंगा के तटों पर रह रही हूं, और 5 घाटों की लिस्ट तो मेरे सामने है। भगवत घाट है, मैस्कर घाट है, आज जहां प्रधानमंत्री जी पहुंचे आपका अटल घाट है, रानी घाट है और सरसैया घाट है। बात हुई कि घाटों की भी सफाई, सुरक्षा, सारी चीजें होंगी। जिस जमाने में गंगा के लिए सबसे ज्यादा काम शुरू हुआ था और सारे लोग आए थे भगवत घाट पे, वहां उस जमाने में इत्तफाक से मैं वहीं रहती थी, इतने वर्ष के बाद भी इन घाटों की स्थिति में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ है जो उल्लेखनीय हो। यह कहा गया कि कूड़ा या फूल वो नदी में सीधे नहीं डाले जाएंगे, वहां बगल में पेड़ बना दिए गए, लोग वहां उसके नीचे रखने लगे और वो बहाव के साथ बह के चला गया। अजय जी, मैं आपकी बात, सॉरी आपकी बात राघवेंद्र जी, मैं सुन रही थी उस समय, मुझे बहुत कष्ट है कि हर मुद्दा जो विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, आपके पास दोबारा आपके सवाल का विवाद बन रहा है, दोबारा से आपके पास आऊंगा। उससे पहले जी उससे पहले विभूति जी के पास चलते हैं। विभूति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये गंगा को सफाई अभियान एक उसका मुद्दा है, दूसरा उसका जो रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट का मतलब नदी के दोनों तरफ के जो घाट है या उसका जो किनारा है, मेरी समझ से जब तक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पुलिसिंग नहीं होगी, बहुत सारे अच्छे विकसित देशों में रिवर पुलिस होती है जी। और वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कार्य करती है। जब तक हम इस तरह की कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि ये गंगा को हम साफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोशिशें जरूर लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पूरी गंगा को एक अलग सिस्टम मानते हुए अलग अलग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, वहां पे रिवर पुलिस सिस्टम को जनरेट किया जाए। मैं तो इसमें प्रदेशों के जो भी मुख्यमंत्री गण हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए विशेष रूप से वो प्रयास करें, और तभी जाकर के हम उसको कुछ हद तक रोक पाएंगे। राघवेंद्र सिंह टू जी, मौली सेठ ने कुछ मौलिक सवाल उठाए हैं, आप जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं जी। देखिए, मौली जी ने जो बात कही है कि जिन घाटों का नाम लिया मौली जी ने, उन घाटों को मैंने भी देखा है। एक उसमें उन्होंने अटल घाट का जिक्र किया, अटल घाट का मैं पूछना चाहता हूँ मौली जी से, क्या ये इस सरकार से पहले अटल घाट था? अटल घाट नहीं था, उससे इसी सरकार ने अटल घाट बनाया है। उसके बाद आगे जब बढ़ती हैं आप, रानी घाट के बात करती हैं, हाँ रानी घाट पर वहां छूट गया है, वो नहीं अभी काम हुआ है, लेकिन वहां पर नाला अभी रोका गया है। आगे आप जब बढ़ती हैं भैरव घाट, उसके बाद से जो है आप सरसैया घाट, परमट घाट, इन सभी घाटों पर जो है जिस तरह से घाट का निर्माण हुआ है, काम हुआ है, ये सराहनीय काम है, देखने योग्य काम है। नहीं, नहीं, अटल और मैं विभूति जी की बात से, एक मिनट मौली जी, मैं आपकी जवाब दे दिया हूँ। विभूति जी की बात से, विभूति जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रदीप जी, की विभूति जी ने जो मौली जी को सवाल पूछना चाह रही हूँ जी जी, हाँ हाँ, पूछिए। आपने कहा अटल घाट नहीं था, वो नहीं था होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अटल घाट बनने के बाद मैं बिल्कुल वही पत्रकारपुरम में रहती हूँ, हर हफ्ते लगभग मेरा वहां जाना होता है। प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले बकायदा चादर लगा के कूड़ा छिपाया जा रहा था, जो बारिश के कारण वो चादर ढह गई। मैं एक एक दिन की रिपोर्ट। नहीं, आप अटल घाट पे कहां पर किस चादर की बात कर रही हैं? मैं हमें हम प्रदीप जी आप बताऊं, आप मौली जी मेरे साथ कल चलिएगा, मैं हमें दिखाइएगा कहां पर ऐसी कौन सी स्थिति थी जहां चादर से ढका गया है। अटल घाट पर ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं थी जहां चादर से ढकने की। नीचे उतरते ही वो स्थान है
और उसके बाद मैं कल नहीं, नहीं ये बिल्कुल गलत है। मैं बता दूं कि यहाँ के लोकल प्रशासन जो नगर निगम है आप उससे भी जानकारी ले लीजिएगा, ऐसी कहीं पर कोई गंदगी नहीं। मैं व्यक्तिगत देखा हूँ जहाँ चादर से ढका गया की बात कर रही हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं परमट पर हर महीने लगभग आना जाना होता है। आनंदेश्वर मंदिर के सामने की सीढ़ियां ठीक हो चुकी हैं, उसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन वहां बगल में आप थोड़ा सा खिसकिए, पेड़ों के नीचे चौखाने बना दिए गए थे जहां फूल और मूर्तियां रखी जाती हैं, और वो बह बह के नदी में जा रही है और इतनी गंदगी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक शब्दाग्रह बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल शब्दाग्रह बना हुआ है, लेकिन कितना इस्तेमाल होता है ये आप भी जानते हैं। नहीं नहीं देखिए इलेक्ट्रिक शब्दाग्रह की आप बात कर रही हैं, इलेक्ट्रिक को लेकर के उपयोग जो है यहाँ पर है व्यवस्था, लेकिन उपयोग लोग कम करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको मना कर दिया गया है। लेकिन आप भी धार्मिक चीजों को आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है समस्या राघवेंद्र जी। अरे नहीं ऐसा नहीं मत कहिए, उत्तर प्रदेश में हम भी देख रहे हैं कि बिजली की बिजली चाहिए 4000 वाट ऐसी समस्या नहीं है कि बिजली की नहीं समस्या है, वहां पर उपयोग वही डेड बॉडी जलाई जाती है जो लवारिश डेड बॉडी मिलती है, इलेक्ट्रिक सौदा से वहाँ उपयोग होता है। हम लोग जब शमशान घाट जाते हैं तो उस बिजली वाले सौदाग्रह में नहीं जाते हैं। देखिए ऐसा है कि बिजली का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक सौदा का जो उपयोग हमें लगता है कि बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि उसको उपयोग करते क्योंकि हमारी आस्था, हमारी आस्था जुड़ी हुई है ना जी, आस्था के कारण ही उसका उपयोग नहीं हो रहा है। देखिए विकास आस्था के कारण ही नहीं हो रहा है। और मौली जी ने जो कहा कि आनंदेश्वर घाट पर गंदगी है, हर घाट की सफाई के लिए नगर निगम को अलग से एक बजट दिया गया है कि सभी घाटों की सफाई के, और सभी घाटों पर सफाई के कर्मचारी अलग लगे हुए हैं। बजट तो सारी सरकारें देती हैं, बजट तो राजीव गांधी की सरकार। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बजट से काम हो जाएगा? आप खुद कह रहे हैं जागरूकता होनी चाहिए, आप मॉनिटरिंग के लिए देखिए, मॉनिटरिंग के लिए अभी विभूति जी ने जो एक बात बोली, मॉनिटरिंग के लिए गंगा के पुलिस फोर्स बनाना चाहिए, गंगा टास्क फोर्स भी बना हुआ है। लेकिन देखिए किसी भी चीज को समय आने पर धीरे धीरे काम होता है। आप इलाहाबाद में चले जाइए, बनारस में चले जाइए, वहां पर भी गंगा टास्क फोर्स है, कानपुर में आपके गंगा टास्क फोर्स आ गया है। दिलीप सिन्हा जी, राघवेंद्र जी ठीक है भाई, बिल्कुल अपनी बात रखेंगे दिलीप सिन्हा। पहले एक मिनट दिलीप सिन्हा जी से बात। दिलीप जी क्या लगता है कि ये गंगा ने तमाम पार्टियों को बहुत वो दिया है, लेकिन गंगा का काम दिल से नहीं किया, क्योंकि गंगा का पानी में पैसा बह जाता पता भी नहीं चलता कि पानी, और ये लोगों की समृद्धि का कारण भी बन गया है। बजट लाओ, गंगा की सफाई के नाम पर खूब मौज उड़ाओ, क्या ये? देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जब भी घाटों का दौरा करते हैं तो मौली सेठ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, सारी गंदगी को छिपाया जाता है और बाद में उसको फॉलो अप के तौर पर चैनल्स दिखाते हैं कि गंदगी छिपाई गई है। वो टेम्परेरी उसी दिन के लिए साफ होती है जिस दिन वहां पे दौरा होता है, उसके बाद गंदगी सफाई में कोई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया जाता है, सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है और पब्लिक को बहकाया जाता है। अजय जी जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। मौली सेठ जी बिल्कुल सही कर रही है, बस एक लाइन है, देखिए मेरा साहित्य के माध्यम से है जी, कि गंगा हमारी कहे साफ रोते रोते और राम तेरी गंगा मैली हो गई, भाजपा के पाप धोते धोते इसी गंगा के कोई काम नहीं हुआ है। अब निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी का दौरा हो गया है तो ईमानदारी से गंगा सफाई पर भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार काम करे, देश की जनता की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, राघवेंद्र काम होना चाहिए। अजय जी ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी जो ये विभूति जी ने और नॉली जी ने जो आपको एडवाइस किया है, क्या उन एडवाइस पर भी काम करेंगे? क्योंकि जब तक पुलिसिंग नहीं होगी, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, इसकी सफाई अच्छे से नहीं हो सकती है। नहीं मौली जी की ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए जिससे कि सफाई निरंतर बनी रहे। हम ये बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, जनता पर दोषी हम लोग जनता को दोषी नहीं मान रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, कहीं पर अगर ऐसी गलती है तो उसको व्यवस्था हम लोग बनेंगे। लेकिन कानपुर ही नहीं, मैं पूरे देश के सभी घाटों की बात कर रहा हूं कि इस बात को हम लोग व्यवस्था देखेंगे कहां गलती हो रही है। विभूति जी की जो बात है कि गंगा रिवर फ्रंट की बात है, तो ये जहां पर देखिए इस तरह की बड़े बड़े शहर हैं, जहां बड़े बड़े ऐसी इंडस्ट्री एरिया है, वहां पर इस पर विचार चल रहा है कि जहां पर एसटीपी अगर हम दे सकते हैं वहां एसटीपी दे रहे हैं। कानपुर में टेनरी को लेकर सीईटीपी एक बीस एमएलडी का अलग से। अजय जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अजय जी मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। देखिए नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आपको राघवेंद्र जी,
राघवेंद्र वन के पास में चलते राघवेंद्र सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत किया है इसको यहाँ से बहुत आगे तक ले जाना पड़ेगा तभी उनका मंतव्य पूरा होगा? देखिए प्रदीप जी, मैं बिल्कुल छाती ठोक कर कहता हूँ काफी काम पूरा हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री जी को अगर ये दिखाना होता तो निश्चित रूप से वह गौमुख जाते, वहां बिल्कुल अवरेल गंगा है, निर्मल गंगा है, यहाँ ना आते जो एशिया का सबसे बड़ा गंगा है, गंदा नाला था। प्रधानमंत्री जी वास्तव में काम करके दिखाया है और कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मानिए 2021 में जल जो है आचमन योग्य हो जाएगा। ये प्रदीप जी ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इसरो के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से और राघवेंद्र जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को गंगा नाम से एक सैटेलाइट छोड़ना चाहिए। उस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य एक एक मीटर के स्केल पे मॉनिटरिंग करने का होना चाहिए, और इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। इसरो में ऐसे प्रोजेक्ट को लगा करके अगर सफाई हो रही है या नहीं आप मिनट मिनट की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आपको बहुत धन नहीं खर्च करना है। विभूति जी, आप तो लखनऊ के प्रोफेसर हैं, आपको नहीं लगता कि अगर सैटेलाइट छोड़ दिया गया तो इसमें राजनीति खत्म हो जाएगी? देखिए मैं वैज्ञानिक हूँ और पर्यावरण पे कार्य करता हूँ, मुझे इस गंगा की सफाई और उसके मॉनिटरिंग से मेरा मुख्य उद्देश्य है। मुझे मालूम है सब पार्टियां एक है, ये सारे लोग एक हैं, सारी पार्टियां एक हैं, और ये सब मिल करके गंगा को बंटवारा करने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार काम करने के लिए आई है, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे कांग्रेस को राजनीति नहीं, चाहे कोई भी हो, सबको समाप्त करना है, और निश्चित रूप से करिए गंगा अविरल भी होंगी, निर्मल भी होंगी। छह महीने में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, निश्चित रूप से मानिए प्रदीप जी, देश और प्रदेश की जनता देख रही है कितने बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं। ये गंगा भी साफ होंगी और 70% तक साफ हो चुकी है। मौनी जी विश्वास करिए, मौनी जी को सुन लेते हैं, मौनी जी कुछ कहना चाह रही है। देखिए फिर वही चीज है, आपकी प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी है कि राम से उबरे गंगा में जाके डूबे ये ना हो, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये बहुत किसी विषय में राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, यही राजनीति जनता देख रही है, राजनीति रही। अगर राजनीति करनी होती तो पहले महीने में भी धारा 370 ना खत्म करती, फिर धारा 370 आ गई बीच में। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली, हम गंगा पे बात कर रहे हैं तो छाती ठोक के कहते भी है। नहीं, छाती ठोकना बड़ा आसान है, मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन काम के लिए धारा 370 की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, यहाँ गंगा की धारा की बात हो रही है, उसी की बात हो गई। पापियों के पाप धोते धोते और रामचरित गंगा मैली हो गई, राजनीतियों का उद्धार करते करते तमाम राजनीतिक पार्टियों का उद्धार कर दिया है, लेकिन गंगा अभी भी मैली की मैली है और गंगा की सफाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन इन सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जो अपना एक अभी विजिट किया है आज, उसको लेकर के बहुत उम्मीदें बनती हैं, क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार काम कर रही है वो बड़े फैसले ले रही है और उसको अमली जामा भी पहना रही है, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे कॉमन सिविल कोर्ट का मामला हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण का मामला हो, या अभी अमेंडमेंट जो सी कैप का मामला हो, तमाम बड़े फैसले लिए गए और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तर्ज पर अब जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनिशिएट किया है तो ये जो गंगा की सफाई का मामला है वो भी अपनी चरम स्थिति पर पहुंचेगा और गंगा इस बार जरूर साफ हो पाएंगी, ऐसी हमारी धारणा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए।